24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खास खबर की ओर। सेंधवा नगर के मध्य से गुजरने वाले मुख्य मार्ग की दुर्दशा को लेकर आज मंडलम कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुजर के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं एवं आमजनों के द्वारा लक्ष्मी मंदिर के पास मुख्य मार्ग पर धरना दिया गया। धरने को संबोधित करते हुए मंडलम कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुजर एवं पार्षद एवं नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका परिषद सेंधवा प्रिंस शर्मा ने बताया कि नगर का मुख्य मार्ग पुराना आरटीओ बैरियर से लेकर अम्बेडकर कॉलोनी तक एवं सेंधवा कॉलेज से लेकर मैकेनिक नगर पीपलधार तक बहुत ही खस्ता हाल हो चुका है, जिस पर रोड में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं तथा उसमें हमेशा दुर्घटना का भय बना रहता है। साथ ही रोड से उड़ने वाली धूल के कारण रोड के आसपास निवास करने वाले एवं आम जनों को सांस संबंधी गंभीर बीमारियां हो रही है। हमारे द्वारा पूर्व में भी इस संबंध में संबंधित विभाग के अधिकारियों को एवं अनुविभागीय अधिकारी सेंधवा को ज्ञापन देकर उक्त मार्ग का आरसीसी रोड निर्माण कार्य करवाने हेतु निवेदन किया गया था, लेकिन उसके बाद आज तक भी विभाग के द्वारा उक्त समस्या के निराकरण हेतु कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए, जिसे मजबूरन होकर हमें उक्त समस्या के निराकरण के लिए आज धरना देना पड़ा। अगर शीघ्र ही विभाग के द्वारा उक्त मार्ग का आरसीसी रोड निर्माण नहीं करवाया गया तो भविष्य में आम जनता की समस्या के निराकरण के लिए बड़ा आंदोलन किया जाएगा। साथ ही हम विभाग द्वारा उक्त मार्ग के डामर रोड निर्माण का जो टेंडर जारी किया गया है उसका भी विरोध करते हैं, क्योंकि उक्त मार्ग के दोनों ओर पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिस कारण से अगर उक्त मार्ग पर डामरीकरण किया जाता है तो वह कुछ ही समय में फिर से उखड़ जाएगा। सेंधवा से साजिद राजधानी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे साथ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।